मंच और रहस्य। भूतिया ट्रेन। विक्रम और उसका परिवार शहर में रहते थे। काम में व्यस्त होने के कारण वो एक वर्ष से कहीं घूमने नहीं जा सके थे। उन दिनों उसका परिवार शहर में था और विक्रम 8 महीने के लिए किसी दूसरे शहर में काम कर रहा था। उस रात को विक्रम वापस अपने परिवार के पास अपने शहर आ रहा था। 8 महीनों में उसने दूसरे शहर में काफी पैसे कमा लिए थे और वो सभी पैसे साथ ही लेकर आ रहा था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि इतने दिनों के बाद वो अपने परिवार से मिलने वाला था। विक्रम के 2 बच्चे और उसकी पत्नी घर में उसका इंतजार कर रहे थे। रात का समय था और रेलगाड़ी पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। विक्रम ने देखा कि उसके डिब्बे में सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर आनंद से सो रहे थे, पर उत्सुकता और खुशी के कारण विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। विक्रम ने देखा कि उस डिब्बे में एक और व्यक्ति था जो सोया नहीं था। वह व्यक्ति विक्रम के ठीक सामने वाली बर्थ पर बैठा था। विक्रम ने देखा कि वह आदमी किताब पढ़ रहा था। गौर से देखने पर विक्रम को मालूम चला कि वह आदमी ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। विक्रम ने बस यही सोचा कि शायद नींद ना आने के कारण वह आदमी समय व्यतीत करने के लिए उस किताब को पढ़ रहा था। विक्रम ने उस व्यक्ति से बात करने के इरादे से उसकी तरफ देखकर कहा, भाई साहब। वो व्यक्ति अपनी किताब में ही डूबा रहा और ऐसा लगा जैसे उसने विक्रम के शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया था। विक्रम ने फिर कहा, भाई साहब। इस बार उस आदमी ने किताब नीचे रख दी और विक्रम की तरफ देखने लगा। विक्रम को लगा कि उसकी आंखें एकदम भाव शून्य थी, एकदम सपाट। विक्रम ने थोड़ा सा संकोच करते हुए उस व्यक्ति से कहा, मैंने आपकी किताब पढ़ने में बाधा तो नहीं पहुंचा दी है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उस व्यक्ति ने सपाट स्वर में कहा। विक्रम ने मुस्कुराकर पूछा, आपका नाम क्या है? भानु सिंह। ओह, मेरा नाम विक्रम है। क्या आप भी अपने घर वापिस जा रहे हैं? नहीं, उस व्यक्ति ने फिर से एकदम सपाट स्वर में कहा। तो फिर घर से दूर कहीं बाहर जा रहे होंगे? विक्रम ने फिर से मुस्कुराकर पूछ लिया। भानु सिंह ने विक्रम को सिर्फ घूर कर देखा और विक्रम को लगा के जैसे वो कुछ कहना नहीं चाहता था। विक्रम ने एक बार फिर से संकोच करते हुए कहा, मैं तो आज 8 महीनों के बाद अपने शहर अपने घर वापिस जा रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं, इसलिए नींद ही नहीं आ रही है। बस इसीलिए सोचा कि आपसे ही कुछ देर बात कर लूं। भानु सिंह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सर को इस तरह हिलाया जैसे वो विक्रम की बात समझ गया था। विक्रम तब तक समझ चुका था कि वो आदमी उससे बात करने में इच्छुक नहीं था। उसको शायद विक्रम से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन विक्रम फिर भी चुप नहीं रहा क्योंकि वह बहुत ही उत्तेजित था घर जाने की खुशी में। उसने किताब की तरफ संकेत करते हुए भानु सिंह से पूछा, क्या आप भूत प्रेतों पर यकीन करते हैं? हाँ, उसने बस इतना ही कहा। लेकिन क्या कभी आपने भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? भानु सिंह चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों से लग रहा था कि वो जैसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने किताब उठाई और अपने चेहरे के सामने रखकर पढ़ने लगा। विक्रम को समझ नहीं आई कि उसने प्रश्न का जवाब न देकर अपना चेहरा किताब के पीछे क्यों छुपा लिया था। विक्रम ने एक बार फिर से संकोच करते हुए कहा, भाई साहब, आपने जवाब नहीं दिया। इस बार जब उस व्यक्ति ने चेहरे के सामने से किताब उठाई तो विक्रम के होश उड़ गए। उसके सामने अब एक बहुत ही भयानक चेहरा था।
भानु सिंह का चेहरा इतना भयानक था कि कोई आम आदमी देखता तो बेहोशी हो जाता। वैसे विक्रम के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी थी और वो भी बुरी तरह से घबरा गया था। उसने अपनी दोनों हथेलियां बर्थ पर रख दी, मानो उठकर जाने लगा था। विक्रम को अचानक ही सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसने कोशिश तो की लेकिन उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। तब तक विक्रम समझ चुका था कि उसके सामने बैठा भानु सिंह इंसान नहीं भूत था। विक्रम के पास बैठे रहने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। अचानक ही भानु सिंह के मुंह से लंबे लंबे दांत बाहर झांकने लगे। वो जोर से ठहाका लगाकर बोला, अब तुमको यकीन आ गया होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत होते हैं। विक्रम ने किसी तरह हिम्मत करके कहा, क्या आप सच में ही भूत हैं? अब भी यकीन नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हारा खून पीऊंगा तो तुमको यकीन आ जाएगा। विक्रम हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं मुझे मत मारना, मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे सिवा इनका कोई और सहारा नहीं है। विक्रम बर्थ पर बाहर की तरफ सरकने लगा। भूत उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक विक्रम सीट से उठकर डिब्बे के दरवाजे की तरफ दौड़ा। तभी उस भूत ने अपना दायां हाथ उठाया, वो हाथ लंबा होने लगा और आखिर उस हाथ ने विक्रम की गर्दन पीछे से पकड़ ली। तभी विक्रम जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, ये ड्रैकुला है और मेरा खून पीना चाहता है। तभी उसके माथे को एक कोमल हाथ ने छुआ। क्या हुआ जी, आप पलंग से नीचे कैसे गिर गए और ये क्या चिल्ला रहे हैं, ड्रैकुला ड्रैकुला मेरा खून पी जाएगा? रात को तो बच्चों को फिल्म देखते समय कह रहे थे कि कोई ड्रैकुला या भूत प्रेत नहीं होते। विक्रम तो जैसे गूंगा ही हो गया। उसको याद आया कि उसने शहर वापिस आने के बाद पिछली रात को अपने परिवार के साथ ड्रैकुला फिल्म देखी थी और उसने बच्चों के सामने खूब हेकड़ी झाड़ी थी कि कोई भूत प्रेत नहीं होते। वो शर्म से मुस्कुराया और अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा, जिसने उसको उस भयानक सपने से उसके माथे पर हाथ रखकर निकाल लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया।